नमस्कार दोस्तों, धमाका ठीक है। दिवाली से पहले धमाका 17,308 पे चल रहा है आपका निफ्टी फ्यूचर। SGX निफ्टी चल रहा है 17,309 309 ठीक है। और जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था लास्ट 2 से 3 दिन पे, वो आपके सामने स्क्रीन पे है ठीक है। ये देखिए, कल तीन मार्केट बंद नहीं हुआ है, 3:12 पे मार्केट की स्क्रीन तो तेजी ही बोल यही बोल रही है। बेयर ट्रैप करने जैसा पूरा सेटअप लग रहा है, इट्स माई रीडिंग ठीक है। और काफी मैसेजेस हैं ऊपर जो मैंने बोले, आई एम बायस टुवर्ड्स तेजी, क्यों? अरे दिखता है, काफी कुछ दिखता है, उसको नहीं झुटलाया जा सकता। बाकी कुछ भी हो सकता है दोस्त, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर नहीं सकता था, मार्केट गिर सकता था, मैं गलत भी साबित हो सकता था। पर आप टाइमिंग देखिए, चलते मार्केट में बोला है मैंने, और कितने यूट्यूबर को तो कल दो दो वीडियोस बनानी पड़ गई हैं। एक हो गया हैराम, एक हो गया है कि ये आ गया है, वो आ गया है ठीक है। देखिए, दो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो प्रकार के हैं। एक है आकाश चोपड़ा जो करता है कमेंट्री, बहुत बढ़िया, विराट कोहली के चौके छक्के लग जाए तो ज़बरदस्त कमेंट्री, आउट हो जाए थोड़ा सा इनको हाथ खोल के खेलना चाहिए था, कवर ड्राइव थोड़ा सा पैर ऐसे निकालना चाहिए था। सुनने में क्या है, अच्छा लगता है कि नॉलेज बहुत है, पर भैया ग्राउंड में विराट कोहली ही खेल रहा है। तो जितने शाम को निकलते हैं ना ये अपने अपने बिलों से, दे आर कॉमेंटेटर। जो लाइव मार्केट में नहीं बता सकता, शाम को लाइन खींचना बहुत आसान है चार्ट पे, चलते मार्केट में पल्स को कंट्रोल करके ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस करके बोलना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए उसमें गलतियाँ भी होती हैं, इसलिए उसमें लॉस भी होता है, इसीलिए विराट कोहली स्ट्रगल भी करता है, आकाश चोपड़ा नहीं करता, क्योंकि आकाश चोपड़ा का काम है कमेंट्री करना। आधे कितने आधे से ज़्यादा यूट्यूबर तो कमेंटेटर हैं, पर कल सब कल कल एक्सपोज हो गए ठीक है। चलिए, किसी को कुछ बोलना नहीं है, अच्छी काम, अच्छा काम है, कमेंट्री करना भी बहुत बढ़िया काम है। बट सीखने के लिए आपको उन्हीं यूट्यूबर्स को फॉलो करना पड़ेगा जो लाइव मार्केट की रीडिंग आपको बताते हैं ठीक है, जो लाइव मार्केट की रीडिंग आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। अच्छा खासा दोस्तों बन गया है, और ये छोड़ेंगे नहीं, ये जो जितने पुट बाय करके बैठे हैं दुनिया वाले, अरे लोग 14,000 14,000 13,000 की पुट बाय करके बैठे हैं, अब ये उनको रुलाएंगे ठीक है। मुझे नहीं लगता है 17,700 17,800 से पहले रुकेगा ठीक है, बाकी देखते हैं खुलेगा कहाँ, 240 के तो ऊपर ही खुलना चाहिए। चलिए ये है, और निक्केई भी जबरदस्त तेजी में, पूरा चारों तरफ तो जब कल लाल लाल ताज, हरियाली हरियाली है। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, पिछले 3 दिन से मार्केट आपको लगेगा गिर रहा था, पर आप ये देखिए क्या उसने एक भी दिन लो ब्रेक किया, 16,950 क्या एक भी दिन ब्रेक हुआ? हाँ, जो ट्यूसडे को लो बना था, चलिए ट्यूसडे को मार्केट नीचे गिर गया, मैंने क्या बोला था कि मुझे एक कैंडल और चाहिए। वेडनेसडे को आपने मार्केट देखा, थर्सडे को आपने मार्केट देखा, क्या उस दिन का लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये चीजें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए, ये चीजें होती हैं। 5,000+ करोड़ की सेलिंग है FIs की पिछले 3 दिन में, और निफ्टी 17,000 के ऊपर ही है, और ट्यूसडे का जो टॉप था वो 17,250 था, तो 200 सवा 200 पॉइंट तो गिरा है बस, 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ की सेलिंग में, इनफैक्ट उससे ऊपर ही है, 6,000 के लगभग है। तो कहाँ है मंदी ठीक है, ये सब चीजें देख के, स्क्रीन को देख के, मार्केट का बिहेवियर को देख के,
ऊपर से इवेंट है उसको देख के आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% या 100% सही नहीं हो सकते, कल को आप गलत भी साबित हो सकते हैं, कल डेटा ऐसा बिल्कुल आ सकता था कहानी बदल जाए। बट जो प्लान था ना ऑपरेटर का, वो प्लान यही था कि उसे खींचना है मार्केट को। ठीक है, बॉन्ड यील्ड भी सुस्ता गई होंगी, बिल्कुल नीचे की तरफ गई है। तो यही है दोस्तों, तेजी तो बढ़िया है, आप बिल्कुल तेजी में रहिएगा, 250 नहीं टूटना चाहिए, बाय करिए बिंदास। एक बार 17500 जाना चाहिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 17500 के पास रिव्यू करेंगे, मुझे तो लगता है 17500 नहीं 17800 तक जाना चाहिए। ठीक है, पर वो 17500 के ऊपर होल्ड होता है कि नहीं होल्ड होता फिर ही पता लगेगा कि 17800 है कि नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी 39150 अगर गैप अप होता है, 39100 को देख लीजिएगा, उसको होल्ड करता है तो बाई ही है। एक बार बैंक निफ्टी भी आपका 39800 जाना चाहिए, उसको होल्ड कर लेता है तो फिर 40200 40500 तक जाना चाहिए। तो ये फ़िलहाल एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ गुमराह मत होइए मेरे वीडियोज़ देख के। थैंक यू।